नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं अजीत स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित पर। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे। तैयारी भी आपकी जबरदस्त शानदार जिंदाबाद चल रही होगी। हम लोग बात कर रहे हैं पॉलिटी की, और पॉलिटी में हमारा संविधान का निर्माण हम लोगों ने लास्ट क्लास पढ़ी थी सैटरडे में, वहीं से मैं थोड़ा सा स्टार्ट करूंगा, 5-10 मिनट उसमें लूंगा। उसके बाद मैं संविधान की प्रस्तावना कराना स्टार्ट करूंगा। प्रस्तावना से संबंधित बहुत सारे फैक्ट आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाते हैं, लेकिन हम लोगों ने जो लास्ट क्लास पढ़ी थी वो संविधान का निर्माण पढ़ा था, और संविधान के निर्माण में हम लोग बात कर रहे थे कि सर जब प्रारूप समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश की थी, तो प्रारूप समिति ने पहली रिपोर्ट कब पेश की थी? जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए कि प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी, मसौदा समिति, इसने अपनी पहली रिपोर्ट कब पेश की थी, और उसमें कुल अनुच्छेदों की संख्या कितनी थी, उसमें कुल अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? चलिए जल्दी से बता दीजिए। 21 फरवरी 1947 को, 1948 को कब पेश की थी, जल्दी से बताइए। आप कहेंगे सर 21 फरवरी 1948 में पहली रिपोर्ट पेश की जाती है, उसके बाद 26 अक्टूबर 1948 में दूसरी रिपोर्ट पेश की जाती है। अब हुआ क्या, इस पर वाचन स्टार्ट होंगे, रीडिंग स्टार्ट हो जाएंगी। तो हमने पढ़ा कि सर जब संविधान निर्माण की बात चल रही थी, लास्ट क्लास हम लोगों की चल रही थी, ठीक है, लास्ट क्लास ही हम लोगों की चल रही थी, उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था, लास्ट क्लास हमारी थी जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था संविधान का निर्माण। इसमें हमने क्या पढ़ा था मेरे बच्चे, संविधान का निर्माण, ठीक है जी, संविधान का निर्माण, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे हम लोग बच्चों? मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हमारा चैप्टर चल रहा था, ठीक है। आज हम प्रस्तावना पढ़ेंगे और प्रस्तावना अच्छे से करेंगे, लेकिन मैं इसके बारे में थोड़ा सा जो बचा हुआ है वो करा देता हूं। हमने पढ़ा था कि प्रारूप समिति की जो सेकेंड प्रारूप समिति, आप लोग जानते हैं कि सर प्रारूप समिति जिसे हम ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहते हैं, क्या कहते हैं जी इसको, हम ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहते हैं, कि ड्राफ्टिंग कमेटी के द्वारा, किसके द्वारा, ड्राफ्टिंग कमेटी द्वारा जो रिपोर्ट पेश की गई थी वो पहली रिपोर्ट कब पेश की गई थी, जल्दी से बताइएगा। तो आपने बताया कि सर इनकी जो फर्स्ट रिपोर्ट थी वो फर्स्ट रिपोर्ट कब आई थी, फर्स्ट रिपोर्ट कब आई थी? तो आप लोगों ने पढ़ा कि सर प्रारूप समिति की जो पहली रिपोर्ट थी वो 21 फरवरी 1948 में पेश हो जाती है। कब? 1948 में पेश हो गई। और पहली रिपोर्ट में जो आर्टिकल्स थे, मैं रिकॉल करा रहा हूं आप लोगों को, हालांकि ये मैं आप लोगों को करा चुका हूं सैटरडे में, लेकिन फिर भी मैं आपको रिकॉल करा रहा हूं। तो आप कहेंगे 315 अनुच्छेद थे, और इस रिपोर्ट में जो शेड्यूल थी कि सर शेड्यूल कह लें, स्केड्यूल्स कह लें, तो कितनी थी, 8 थी। जबकि बीएन राव ने 13 पेश की थी अनुसूचियां, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसको कम करके 8 कर दिया। बीएन राव ने संविधान का जब प्रारूप तैयार किया था उसमें 243 अनुच्छेद थे, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पहली रिपोर्ट में 315 कर दिए, बढ़ा दिए। अब इनकी जो सेकंड रिपोर्ट थी कि सर इनकी सेकंड रिपोर्ट कब आई थी, तो सेकंड रिपोर्ट भी मैंने आप लोगों को बताई थी कि सर इनकी सेकंड रिपोर्ट कब आई थी, तो आप कहेंगे सर 26 अक्टूबर 1948 में, ठीक है जी। अब इस पर क्या हुआ, विवाद हुआ, बहुत ज्यादा विवाद हुआ। अब विवाद इतना बढ़ा कि इस रिपोर्ट की जांच कराई गई, 3 बार उसकी जांच कराई गई, रीडिंग हुई, जिसे हम हिंदी में वाचन कहते हैं। क्या कहते हैं? वाचन कहते हैं। कि सर संविधान सभा में जो प्रारूप समिति थी उसने अपनी पहली और दूसरी रिपोर्ट पेश कर दी। पहली रिपोर्ट में कितने आर्टिकल्स थे, दूसरी रिपोर्ट पर कितनी बार रीडिंग की गई, कितनी बार वाचन किया गया, तो आप कहेंगे मेरे लाल मेरे शेर कि सर दूसरी रिपोर्ट की 3 बार रीडिंग की गई, 3 बार वाचन किया गया। कितनी बार वाचन किया गया, वाचन मतलब रीडिंग की जाती है, कि भैया कितनी बार रीडिंग की गई थी जो सेकंड रिपोर्ट आती है, जब प्रारूप समिति ने अपनी सेकंड रिपोर्ट पेश कर दी थी
26 अक्टूबर 1948 में इसमें बेटा 3 बार रीडिंग चली थी। कितनी बार रीडिंग चली? तो बेटा आप कहेंगे सर कब से कब तक रीडिंग चली थी, तो लगभग 5 दिन, 4 नवंबर 1948 से लेकर 9 नवंबर 1948 के बीच में ये रीडिंग चलती है, लगभग 5 दिन ये रीडिंग चली। इसके बाद एक रीडिंग और हुई, रीडिंग का मतलब है पढ़ना कि भाई ये आर्टिकल्स हैं ये सही हैं या गलत हैं, इसमें कहां और संशोधन कर सकते हैं, कहां कहां और संशोधन किए जा सकते हैं या इसमें कुछ और नए आर्टिकल्स जोड़े जा सकते हैं, उसको हमने कहा वाचन या रीडिंग। चलिए तो ये तो पहला वाचन था। सेकंड वाचन कब हुआ? सेकंड वाचन बेटा जो सबसे लंबा चला, सेकंड वाचन 15 नवंबर 1948 से लेकर 15 नवंबर 1948 से लेकर 17 अक्टूबर 1949 तक चला। यह सबसे लंबा वाचन था, सबसे लंबी रीडिंग थी या वाचन था, सबसे लंबी रीडिंग कह सकते हैं इसको, सबसे लंबी रीडिंग कह सकते हैं या फिर बेटा इसको वाचन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? वाचन। मैंने कहा कि भैया जब दूसरी रिपोर्ट आई थी 26 अक्टूबर 1948 में, इस पर 3 बार रीडिंग की गई थी। पहली रीडिंग थी 4 नवंबर से लेकर 9 नवंबर 1948 तक, दूसरी रीडिंग थी 15 नवंबर 1948 से लेकर 17 अक्टूबर 1949 तक। ये इसलिए करा रहा हूं क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तीसरी रीडिंग की बात करते हैं कि सर थर्ड वाचन कब हुआ था, तीसरा वाचन कब हुआ, तो आप कहेंगे सर 14 नवंबर से लेकर 26 नवंबर 1949 तक। ठीक है, और यहां पर 26 नवंबर को भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ, भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ, बिल्कुल आप ले सकते हैं एसआई के लिए भी। तो मैं एक बार फिर से बता दूं कि पहली रीडिंग 4 नवंबर से लेकर 9 नवंबर 1948 तक चली है, फिर 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक दूसरी रीडिंग चली है, तीसरी रीडिंग 14 नवंबर से लेकर 26 नवंबर 1949 तक चली, और यहीं पर 26 नवंबर को भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ, एडॉप्ट कर लिया गया, स्वीकार कर लिया गया। लिख लेंगे आप लोग ये सारी चीजें। आगे बात करते हैं कि सर संविधान कब तैयार हुआ, तो संविधान की अगर मैं बात करूं, संविधान तैयार कब हुआ था, तो आप कहेंगे सर संविधान तैयार कब हुआ था, रेडी कब हुआ था, एक्सेप्ट कब किया गया, एडॉप्ट कब कर लिया गया, तैयार कह लें, एडॉप्ट कह लें कि सर इसको कब एडॉप्ट किया गया, तो आप कहेंगे 26 नवंबर 1949 में। और जिस समय 26 नवंबर 1949 में हमारा संविधान स्वीकार किया गया, एडॉप्ट किया गया, लागू किया गया, या क्या हुआ था, तो आप कहेंगे लागू तो नहीं हुआ था, लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 में। कि सर जिस समय ये बनकर तैयार हुआ, इस समय कुल अनुच्छेद कितने थे, कुल अनुच्छेद कितने थे, टोटल आर्टिकल्स कितने थे, तो टोटल आर्टिकल्स की अगर बात होगी तो आप कहेंगे सर 395 थे। कितने थे? अब 315 की जगह आर्टिकल कितने कर दिए थे, 395। कि सर कुल शेड्यूल्स कितनी थी, कुल अनुसूचियां कितनी थी, कुल अनुसूचियां कितनी थी, तो आप कहेंगे सर अनुसूचियां कितनी थी, तो शेड्यूल्स की बात हो जाएगी कि सर शेड्यूल्स कितनी थी, तो मैं यहां पर लिख देता हूं भैया 8 अनुसूचियां थी। और संविधान में भाग कितने थे, भाग या पार्ट हम कह सकते हैं, कि सर कितने पार्ट थे हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में, तो 22 थे। कितने थे? 22 थे। अगर बात करेंगे सर वर्तमान स्थिति की कि भारतीय संविधान में वर्तमान कितने हैं, वर्तमान आर्टिकल्स कितने हो जाएंगे, चलिए कि भैया जब 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ, तब टोटल आर्टिकल थे 395, टोटल शेड्यूल थी 8, टोटल भाग थे 22। लेकिन अगर वर्तमान में आर्टिकल्स की बात करें कि सर वर्तमान आर्टिकल्स कितने हैं, तो आप कहेंगे लगभग 470। कि सर शेड्यूल कितनी है, अनुसूचियां कितनी हो जाएंगी, शेड्यूल्स कितनी हो जाएंगी, तो आप कहेंगे 12। कि सर
पार्ट कितने हैं, भाग कितने हो जाएंगे भारतीय संविधान में, तो 25 भाग हो जाएंगे। कितने भाग हो जाएंगे? 25 भाग हो जाएंगे। ठीक है जी, चलिए। अब जब ये सारी चीज़ें बन जाती हैं कि सर जब भारतीय संविधान की अगर बात हो रही है तो यहाँ पर आप लोग कहेंगे कि सर वर्तमान संविधान की अगर मैं चर्चा करूँ तो आप कहेंगे सर वर्तमान संविधान पर जब नज़र डालते हैं तो आपको 470 अनुच्छेद दिखाई देते हैं, 12 अनुसूचियाँ दिखाई देती हैं और बेटा 25 भाग दिखाई देते हैं। कितने? 25 भाग दिखाई देते हैं। संविधान बनाने पर कितने दिन तक बहस चली? बहस कितने दिन तक चलती है? बहस या डिबेट कि भैया जब हमारा संविधान बना था इस पर डिबेट कितने समय तक चली थी, तो आप कहेंगे जब संविधान हमारा बनाया जा रहा था तो उस पर लगभग 114 दिन तक बहस हुई। बहुत बढ़िया जवाब दे रहे हैं सूरज, प्रिया, हाँ जी, मुस्कान, विपिन राजपूत, बहुत बढ़िया। तो आप कहेंगे सर 114 दिन तक क्या चली थी बेटा, 114 दिनों तक बहस चली, डिबेट चली कि सर कुल बैठक कितनी होती हैं, कुल बैठकें कितनी होती हैं, बैठकें। तो बहुत सारे बच्चे बड़ा कंफ्यूज रहते हैं यहाँ पर, क्योंकि मैं एनसीईआरटी की अगर बात करूँ तो 165 दिन तक चली थी। अगर मैं बात करता हूँ, हाँ जी बिल्कुल 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 हसन अली जी, मैं बिल्कुल यही सारी चीज़ें करता हूँ, लेकिन जैसे ही चैप्टर ख़त्म हो जाता है मैं ज़रूर, देखो पहले दिन मैंने कराया था, पहले दिन पूरा चैप्टर ख़त्म हुआ, मैंने आपको 5 क्वेश्चंस कराए थे, ठीक है। मैं वैसे ही कोशिश करूँगा, अगर आज भी ख़त्म हो जाएगा तो आज भी करूँगा, मैं लेकर आता हूँ क्वेश्चंस, ठीक है। चलिए, हम लोग यहाँ पर बात कर रहे थे कि सर 165 बैठकें होती हैं। टोटल कितनी बैठकें होती हैं, मैं सेशन की बात नहीं कर रहा, मैं मीटिंग्स की बात कर रहा हूँ। केवल 105 सॉरी कितनी बैठकें होती हैं बेटा, 105 बैठक होती हैं। कितनी बैठक होती हैं? 105 बैठक होती हैं। और ये बैठक कितने दिनों तक चली थी, ये बैठक, इन पर चर्चा कितने दिन तक होती है? 105 बैठक हो गई टोटल, लेकिन कितने दिन तक चली थी ये बैठक, तो लगभग 165 दिन तक ये 105 बैठकें हुई। कोई कोई बैठक 3 दिन चली, 2 दिन चली, इस प्रकार से इनका डेज बढ़ गया। तो ठीक है कि कुल बैठकें कितनी थी, 105 थी। कितने दिनों तक ये चली, दिनों तक, कितने दिनों तक चली थी, तो 165 दिन तक। कितने बेटा? 165 डेज तक ये बैठकें चली थी। ये है एनसीईआरटी का डाटा। हालांकि बहुत सारी जगहों पर ये 166 भी दिया हुआ है, तो आप इसको मत लिखना, 166 को मत लिखना। केवल एनसीईआरटी मानती है कि जो 105 बैठकें हुई थी वो 165 दिन तक चली थी। वो कब तक चली थी? वो 565 दिन तक चली थी। अब बात आती है कि सर संविधान सभा के सत्र कितने हुए थे, सेशन कितने हुए थे, तो बेटा 11 प्लस 1 टोटल मिलाकर 12 सेशन हुए थे, 12 अधिवेशन हुए थे। कि सर संविधान सभा के कितने अधिवेशन हुए हैं, तो 12 अधिवेशन हुए हैं। कितने मेरे लाल? तो आप कहेंगे अधिवेशन की अगर मैं बात करूं तो आप कहेंगे 12 अधिवेशन हुए। फिर से मैं इसको रिवाइज करा देता हूं, थोड़ा डेटा कंफ्यूज कर सकता है आपको, तो आप कहेंगे 26 नवंबर 1949 को टोटल अनुच्छेद 395 थे, अनुसूचियां 8 थी, 22 भाग थे। वर्तमान स्थिति यह है कि 470 अनुच्छेद हैं, 12 अनुसूचियां हैं, 25 भाग हैं। संविधान पर कितने दिन तक चर्चा चली, बहस चली? 114 दिन तक। कुल कितनी बैठकें होती हैं? 105 बैठकें। ये कितने दिनों तक चली थी? तो 165 दिन तक चली थी। एनसीईआरटी 165 दिन को मानता है, हालांकि बहुत जगह पर 166 भी दिया हुआ, जो कि आपको नहीं करनी है, ठीक है। चलिए लिख लेंगे ये सारी चीज़ें। बताइए क्या इतनी चीज़ें आप लोगों ने लिख ली होंगी? मैं आगे चलता हूँ कि सर ये बताइए कुल कितने अधिवेशन हुए थे, कुल अधिवेशन कितने हुए थे। अगर मैं बात करूंगा कुल अधिवेशन की, तो आप कहेंगे सर अधिवेशन कितने हुए थे, टोटल सेशन कितने हुए थे संविधान के, टोटल सेशन अगर पूछ लिया जाए, मीटिंग और सेशन में अंतर होता है मेरे लाल, तो आप कहेंगे सर टोटल सेशन होते हैं मेरे दोस्त कितने, 11 प्लस 1 यानी कि टोटल हो गए 12, क्योंकि एक ये अंतिम था, ठीक है। अंतिम बैठक कब होती है, तो आप कहेंगे सर अंतिम अधिवेशन कब होता है, तो अंतिम अधिवेशन हुआ था 24 जनवरी 1950 को, जिस दिन लगभग 284 लोगों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। कितने? 284
उसी लोगों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे कि सर जो अंतिम बैठक है, अगर मैं बात करूं अंतिम सेशन कब हुआ है, अंतिम सेशन कब हुआ है, लास्ट सेशन कब हुआ, अधिवेशन कब हुआ था, तो आप कहेंगे सर 24 जनवरी 1950 में। कब? 24 जनवरी 1950। बेसिक चीज़ें मैं बता रहा हूँ और ये वही तारीख है जिस तारीख को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति बनाए गए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या बनाए जाते हैं? राष्ट्रपति चुने जाते हैं। राजेंद्र प्रसाद को क्या बनाया गया? राजेंद्र प्रसाद को 24 जनवरी 1950 में बेटा राष्ट्रपति बना दिया गया। क्या बना दिया? राष्ट्रपति बना दिया। इसी तारीख को जनगण मन को बेटा क्या बना दिया? राष्ट्रगान स्वीकार कर लिया। क्या कर लिया बेटा? राष्ट्रगान स्वीकार कर लिया। और इसी तारीख को वंदे मातरम को क्या एक्सेप्ट कर लिया? वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत एक्सेप्ट कर लिया। क्या कर लिया मेरे लाल? राष्ट्रीय गीत एक्सेप्ट कर लिया। क्या कर लिया? राष्ट्रीय गीत एक्सेप्ट कर लिया। तो ये चीज़ें आपकी हो गई यहाँ पर, ये चीज़ें आपकी हो गई मेरे दोस्तों। तो टोटल सेशन कितने हुए हैं? 12। कितने हुए हैं टोटल सेशन? तो आप कहेंगे सर टोटल सेशन हुए हैं 12। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक होती है और बेटा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति बनाया गया इसी तिथि को, जनगणमन को राष्ट्रगान बना दिया गया और वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत एक्सेप्ट कर लिया गया। क्या कर लिया? राष्ट्रीय गीत एक्सेप्ट कर लिया जाता है। अब इसी तारीख को क्या हुआ? 284 लोगों ने हस्ताक्षर किए संविधान पर। 284 लोगों के हस्ताक्षर हुए, लोगों के हस्ताक्षर हो जाते हैं कि भैया कितने लोगों ने हस्ताक्षर किए थे संविधान पर, तो 284 लोगों ने, कितने लोगों ने? 284 लोगों ने हस्ताक्षर कर दिए। ठीक है, तो आप कहेंगे सर कितने लोगों ने हस्ताक्षर किए थे? चलिए बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब। यहाँ पर आप लोग लिखना मेरे लाल। ठीक है राधिका बेटा, एक बार चेक कर लेना आप यहाँ पर, क्योंकि ये इसलिए लिखा है मैंने 11+1 कि बेटा सेशन टोटल होते हैं 11, एक हुआ 11 तक तो कंटिन्यू रहे, है ना, लेकिन सबसे अंतिम पूछा जाता है कि अंतिम कब हुआ, तो इसको आप कंफ्यूज अगर हो रहे हो तो मैं इसको मिटा देता हूँ। ये आपको कन्फ्यूज करने का उद्देश्य नहीं था, उद्देश्य ये था कि 11+1 यानी कि 12 हो गए 24 जनवरी 1950 को। ठीक है जी, चलिए यहाँ तक आपने लिखा। अब हम बात कर रहे हैं, यहाँ आपने लिखा कि संविधान बनाने में कुल समय कितना आया, ये तो हमने लिख लिया कि सर संविधान बनाने में कुल कितना समय लगा। आप कह सकते हैं कि सर संविधान लिखने में कुल समय कितना लगा, टाइम अगर पूछा जाएगा कि संविधान लिखने में कुल समय कितना लगा, तो 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। कितना बेटा? तो आप कहेंगे सर संविधान लिखने में 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा। कुल खर्च कितना हुआ था? कुल खर्च अगर पूछा जाएगा तो आप कहेंगे सर कुल खर्च हुआ था लगभग 64 लाख। ये तो है अप्रोक्स में, ये तो है अप्रोक्स में, लेकिन एक्यूरेट पूछा जाए तो 63,96,729 रुपया। ठीक है जी, अगर पूछा जाएगा कि सर टोटल खर्च लगभग में कितना खर्च हुआ है, लगभग, तो आप कहेंगे लगभग में हुआ था 64 लाख रुपए। कितना? 64 लाख रुपए, लेकिन एक्यूरेट पूछा जाए तो 63,96,729 रुपए कुल खर्च हो जाते हैं। ठीक है जी, अब ये किस किस को पता था, ये किस किस को पता है? चलिए, हाँ ग्रेजुएशन पूरा होना चाहिए बेटा, पूरा होना चाहिए ग्रेजुएशन। चलिए, तो आप लोग कहेंगे सर 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा, यहाँ तक हमने पढ़ लिया। ठीक है, अब ये बताइए कि सर संविधान को हाथों से किसने लिखा है? हाथों से प्रेम बिहारी नारायण राय जादा ने लिखा। हाथों से बेटा किसने लिखा था? प्रेम बिहारी नारायण राय जादा। तो आप कहेंगे प्रेम बिहारी नारायण राय जादा द्वारा हाथों से लिखा गया। सजावट किसने की थी? सजावट कि सर संविधान पर सजावट किसने की थी? तो नंदलाल बोस ने। किसने? नंदलाल
बोस, ये फैक्ट हैं आपके, और इन फैक्ट को आप लोग लिख सकते हैं, इन्हें हम नंदू बोस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नंदू बोस के नाम से भी जाना जाता है, नंदू बोस के नाम से भी हम जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं जी? तो आप कहेंगे सर हम नंदू बोस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, चलिए और हम लोग इस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, और हम लोग यहाँ पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। चलिए, ये आपने लिखा कि सर इसको हिंदी में किसने लिखा था? हिंदी में किसने लिखा है? वसंत कृष्ण वैद्य ने। ठीक है जी, किसने? वसंत कृष्ण वैद्य, वसंत कृष्ण वैद्य के द्वारा बेटा इसको हिंदी में लिखा गया है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो मैंने यहाँ पर लिखे हैं ब्रैकेट में, ये क्या हो जाएंगे? फैक्ट्स हो जाएंगे कि संविधान बनने में कितना समय लगा, 2 साल 11 महीने 18 दिन, कुल खर्च 64 लाख रुपए लगभग में, और वैसे 63,96,729। हाथों से किसने लिखा संविधान? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। संविधान पर सजावट किसने की थी? नंदलाल बोस ने। ठीक है, जिसे नंदू बोस भी कहते हैं। क्या कहते हैं जी? नंदू बोस भी कहते हैं। हिंदी में किसने लिखा है? अब बात यहां पर है कि सर इन्होंने हिंदी इंग्लिश दोनों में ही लिखा था, इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही लिखा था, लेकिन जो इनकी हिंदी थी ये कर्सिव हिंदी थी। यहां पर अगर हम बात करेंगे तो इन्होंने लिखा है वसंत कृष्ण वैद्य ने। किसी को कोई समस्या तो नहीं हो रही? ठीक है, चलिए यहां पर किसी को? बहुत बढ़िया। अब इसमें कुल शब्दावली कितनी है, कब लागू हुआ, इस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। लिख लेंगे यहां तक। अब बताइए जब संविधान लिखा गया तो ये कौन से प्रेस में प्रकाशित हुआ है, कहां से प्रकाशित हुआ, कितनी कॉपियां प्रकाशित हुई? ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। इंग्लिश शब्द कितने हैं, हिंदी शब्द कितने, टोटल पेज कितने हैं संविधान में? बेटा बिल्कुल बेसिक से लेकर चल रहा हूं, बिल्कुल बेसिक से, कुछ ऊपर ऊपर नहीं, बिल्कुल बेसिक लेवल में लेकर चल रहा हूं। तो आप कहेंगे संविधान लागू कब हुआ, संविधान इंप्लीमेंट कब किया गया, संविधान लागू कब किया गया है, लागू। तो आप कहेंगे सर संविधान लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950 में हमारा संविधान लागू हो जाता है। कब? 26 जनवरी 1950 में हमारा संविधान लागू हो जाता है। कि सर इस संविधान का प्रकाशन कहां से किया गया है, प्रकाशन कहां से किया गया था संविधान का? कि सर इसको, इसका पब्लिकेशन कहाँ है? तो पब्लिकेशन की अगर मैं बात करूं कि सर इसका पब्लिकेशन कहाँ से हुआ था, तो पब्लिकेशन की अगर मैं बात करूं कि सर ये बताइए कि इसको पब्लिश्ड कहाँ से किया गया, पब्लिश्ड कहाँ से किया गया था? तो आप कहेंगे सर सर्वे ऑफ इंडिया प्रेस, सर्वे ऑफ इंडिया प्रेस, इंडिया प्रेस। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि सर्वे ऑफ इंडिया प्रेस है कहाँ पर? देहरादून में। कहाँ पर है? देहरादून। तो आप कहेंगे सर कहाँ पर है ये? देहरादून में। ठीक है जी, कहाँ पर? देहरादून पड़ता है उत्तराखंड में। कि सर कुल कितना, कितने कॉपियाँ बनी थी, कुल कितनी कॉपियाँ बनाई गई थी संविधान की? 1000 कॉपीज। कितनी? 1000 कॉपीज प्रकाशित हुई थी, पब्लिश्ड हुई थी। कि सर 1000 कॉपियां छापी गई थी। कितनी? 1000 कॉपियां छापी गई थी। कि सर जो हमारा ओरिजिनल संविधान है उसमें टोटल पेज कितने हैं, टोटल पेजेस कितने हो जाएंगे? तो आप कहेंगे सर 251 पेज हैं। कितने? 251 पेज हैं टोटल संविधान में। पेज कितने होंगे? 251। सर शब्द कितने हैं? अगर मैं बात करूं सर शब्द कितने होंगे, शब्द, शब्द की सर ये बताइए जो हमारा संविधान है इसमें कितने वर्ड्स हैं, वर्ड्स कितने हो जाएंगे? तो आप कहेंगे सर जो इंग्लिश वर्जन है, जो संविधान का जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो इंग्लिश वर्जन है, इसमें लगभग 1,46,385 शब्द हो जाएंगे इंग्लिश वर्जन के। और हिंदी वर्जन के कितने शब्द हैं बेटा संविधान में? तो आप कहेंगे 1,17,369 शब्द हो जाएंगे। ठीक है जी, कि सर इंग्लिश वर्जन में कितने शब्द हैं?
तो इंग्लिश वर्जन में है जी 146,385, हिंदी वर्जन में कितने हो जाएंगे, हिंदी वर्जन में हो जाएंगे 117,369। ठीक है जी। अच्छा ये भी हमारा खत्म हुआ। अब नोट में लिखना, एक लास्ट पॉइंट है ये, नोट में लिखना संविधान सभा के सचिव कौन थे। संविधान बहुत कम बच्चों को पता होगा, संविधान सभा के सचिव कौन थे, सचिव सेक्रेटरी कौन थे, तो आप कहेंगे सर कौन थे, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा। चलिए मैं देख लेता हूं फिर भी। हाँ जी, कॉपियां मतलब कितनी कितनी पुस्तक बनी थी, संविधान की कुल कॉपी कितनी थी, कॉपी मतलब कितनी पुस्तकें छापी गई थी, तो 1000 पुस्तकें छापी गई थी। संविधान की कितनी पुस्तकें छापी गई थी, 1000 कॉपीज बनाई गई थी, 1000 कॉपीज। अरे बढ़िया आर्यन, आर्यन एच वी आर आयंगर, गजब, बहुत शानदार जवाब दिया है जी आर्यन, गजब आंसर है भाई चांद, बहुत बढ़िया शानदार, बड़ा गजब के आंसर्स आप लोग दे रहे हैं। तो जयदीप बहुत शानदार, आप कहेंगे एच वी आर अयंगर, एच वी आर अयंगर इन, ये कौन थे, ये बेटा सचिव थे, कौन थे ये, सचिव थे। चलिए बहुत बढ़िया, अब हम आते हैं जी प्रस्तावना पर, अब हम आते हैं प्रस्तावना पर। ये हमने पढ़ लिया, ये सारी चीजें हमारी हो गई, अब हम संविधान की प्रस्तावना पर आ जाते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत गजब, लिख लिया आप लोगों ने सारी चीजें। अब आती है प्रस्तावना। देखिए प्रस्तावना यहां पर, इसको अगर हो सके तो सीन टू लगा दो। यहां पर हम भारत की उद्देशिका या प्रस्तावना, तो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय की बात करते हैं। ठीक है, चलिए ये आप लोग देखिएगा, इंग्लिश भी मैंने लिखा द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, प्रेम्बल की बात करेंगे, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलनी, ये सारी चीजें आप लोगों को मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको यहां पर बताता हूं प्रस्तावना, प्रस्तावना जिसे हम उद्देशिका भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, उद्देशिका भी हम बोलते हैं, कि क्या बोलेंगे जी इसको, उद्देशिका। इंग्लिश में बोलें तो इसको हम बोलते हैं प्रेम्बल, क्या बोलेंगे इसको हम, प्रेम्बल बोलेंगे। ठीक है जी, क्या बोलेंगे, प्रेम्बल बोलेंगे। अब बात आती है कि सर संविधान की प्रस्तावना पेश कब की गई थी, किसने प्रेजेंट की थी, तो बहुत सारे बच्चों को मैं ऑलरेडी बता ही चुका हूं। तो संविधान की प्रस्तावना पेश होती है जी 13 दिसंबर 1946 में, कब हो जाती है जी, तो 13 दिसंबर, हालांकि ये सैटरडे में हमने पढ़ा था, 13 दिसंबर 1946 में। किसने पेश की थी, तो आप कहेंगे पीटी नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा, किसने पेश कर दी थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश कर दी। स्वीकार भी आप लोगों को पता है कि 22 जनवरी को, 22 जनवरी 1947 में इसको स्वीकार कर लिया गया, क्या कर लिया गया भैया, 1947 में स्वीकार कर लिया गया। आप कहेंगे सर पेश कब किया गया, स्वीकार कब किया गया, कोई समस्या आ गई क्या बीच में, हाँ बिल्कुल आ गई। हुआ ये है कि सर प्रस्तावना की बात यहां पर चल रही है, और इस प्रस्तावना में कि सर जब यह पेश की गई थी तो बहुत सारी पार्टियों को निमंत्रण दिया गया कि आप आइए इस प्रेम्बल को पढ़िए, लेकिन कोई भी पार्टी आगे नहीं आई। कांग्रेस को यह डर था कहीं लोग ऐसे ना कह दें कि यह कांग्रेस ने ही बनाई है और कांग्रेस की है, तो कांग्रेस ने इंतजार किया, संविधान सभा ने इंतजार किया, लेकिन कोई पार्टी आगे नहीं आई। जब कोई पार्टी आगे नहीं आई तो बेटा 22 जनवरी 1947 में संविधान सभा के द्वारा इसको स्वीकार कर लिया जाता है। कि सर किसने इसको स्वीकार किया था, तो आप कहेंगे वाई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, किसके द्वारा मेरे लाल, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कि सर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा इसको स्वीकार कर लिया जाता है। ठीक है जी, संविधान सभा के द्वारा स्वीकार कर लिया गया, चलिए बहुत अच्छी बात है, और यही आगे चलकर हमारी प्रस्तावना बनी, यही उद्देश्य प्रस्ताव। ये किस नाम से पेश किया गया था, उद्देश्य प्रस्ताव,
किस नाम से पेश किया गया था? ये उद्देश्य प्रस्ताव के नाम से पेश किया गया था, प्रस्ताव। और यही उद्देश्य प्रस्ताव, जिसे अंग्रेजी में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बोलते हैं। तो आप कहेंगे सर ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की अगर बात होगी कि सर ये बताइए जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है कि इसको प्रस्तावना के रूप में कब स्वीकार किया गया है? तो इसको 26 जनवरी 1950 में प्रस्तावना या प्रेम्बल के रूप में स्वीकार कर लिया। किसके रूप में? प्रेम्बल, या हिंदी में बोलें तो प्रस्तावना। प्रेम्बल या प्रस्तावना के रूप में स्वीकार किया गया। किसके रूप में? प्रेम्बल या प्रस्तावना के रूप में स्वीकार कर लिया के रूप में इसको क्या कर लिया जाता है बेटा? स्वीकार कर लिया गया। ठीक है जी। जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था, जिसको 13 दिसंबर 1946 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था, इसे 22 जनवरी 1947 में संविधान सभा के द्वारा स्वीकार कर लिया गया। लेकिन यह उद्देश्य प्रस्ताव जो था वो प्रस्तावना या प्रेम्बल कब बन गया? तो वो बन गया 26 जनवरी 1950 में। कब? 26 जनवरी 1950 में। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं, ये सारी चीज़ों पर मैं विस्तृत रूप से चर्चा करूँगा। किसी को कोई समस्या अगर है तो प्लीज़ आप लोग मुझे बताना। यहाँ तक लिख लिया कि सर इसको एडॉप्ट कब कर लिया गया, तो ये गड़बड़ हो गई, यहाँ गड़बड़ हो गई। ये यहाँ मैं अभी आप बात करता हूँ, प्रस्तावना के रूप में स्वीकार तो हुआ, लेकिन इससे पहले बेटा क्या कर लिया गया? एडॉप्ट किया गया था जब हमारा संविधान बना था 26 नवंबर 1949 में। ठीक है, स्वीकार कर लिया या इसको एडॉप्ट कर लिया, थोड़ा सा मिस्टेक हुई, एडॉप्टेड। कब एडॉप्ट किया गया? 26 नवंबर 1949 में, 50 नहीं था बेटा। ठीक है, इसको आप ठीक कर लीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं सर इसकी स्टार्टिंग कैसे होती है, इससे संबंधित कुछ तथ्य भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। चलिए, फर्स्ट सिग्नेचर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। तो ये सारी चीज़ें आप लोग नोट डाउन कर लो कि सर उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश हुआ, सारी चीज़ें तो आपको पता ही हैं। चलिए अब बात करेंगे सर प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है। प्रस्तावना की भाषा कि सर हमने प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली है, लैंग्वेज ऑफ प्रेम्बल। अगर पूछा जाएगा कि सर ये बताइए लैंग्वेज ऑफ प्रेम्बल हमने कहाँ से लिया है, लैंग्वेज ऑफ प्रेम्बल कहाँ से लिया गया है, तो आप लोग क्या बताइएगा कि सर हमने संविधान की प्रस्तावना की भाषा और प्रस्तावना का विचार, दोनों अलग अलग स्टेटमेंट हैं, दोनों अलग अलग स्टेटमेंट है। प्रस्तावना का विचार कौन कौन बच्चा बताएगा सर? विचार, आइडिया ऑफ प्रेम्बल, कि ठीक है जी आइडिया ऑफ प्रेम्बल हमने कहाँ से लिए हैं। दोनों अलग अलग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। देखिए संविधान की भाषा कहाँ से, प्रस्तावना की भाषा हमने कहाँ से ली है, तो आप कहेंगे सर भाषा ली है हमने ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से ली है? ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है जी, भाषा कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से। विचार हमने कहाँ से लिया? अमेरिका से। कहाँ से लिया है? अमेरिका से। बहुत सारे बच्चे इसको उल्टा कर लेते हैं कि विचार ऑस्ट्रेलिया लिख देते हैं, भाषा अमेरिका लिख देते हैं, जो कि गलत है। कि सर प्रस्तावना की भाषा हमने कहाँ से ली है? ऑस्ट्रेलिया से। प्रस्तावना का विचार हमने कहाँ से लिया है? अमेरिका से। कहाँ से लिया है? अमेरिका से। ठीक है, अब प्रस्तावना से संबंधित कुछ स्टेटमेंट हैं, कुछ कथन है कि डॉक्टर ठाकुरदास भार्गव ने क्या कहा, भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा, अर्नेस्ट मेके ने क्या कहा, इससे संबंधित कुछ स्टेटमेंट आते हैं। प्रस्तावना से संबंधित 4 स्टेटमेंट मैं आप लोगों को बताऊंगा कि 4 स्टेटमेंट हैं, किसने क्या कहा। जैसे प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा था, तो आप कहेंगे ठाकुरदास भार्गव। क्या कहेंगे? ठाकुरदास भार्गव। प्रस्तावना को संविधान निर्माताओं के विचारों की जानने की कुंजी या मुख्य नोट किसने कहा था, तो आप कहेंगे सर अर्नेस्ट मेके। अर्नेस्ट मेके। प्रस्तावना को
संविधान की राजनैतिक कुंडली या जन्म पत्री किसने कहा था? तो के एम मुंशी। किसने कहा? के एम मुंशी। प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किसने कहा था? तो आप कहेंगे एन ए पालकी वाला। चार स्टेटमेंट में बता रहा हूं, ठीक है। यहां पर ये फैक्ट हैं। कभी आप सोचो सर तो लिख ही रहे हैं, ये तो लिखना ही है। प्रस्तावना से संबंधित कथन, कथन, ठीक है जी। प्रस्तावना से संबंधित कथन या स्टेटमेंट रिलेटेड टू प्रिम्बल। स्टेटमेंट पूछे जाते हैं, स्टेटमेंट रिलेटेड टू द प्रिम्बल कि सर प्रिम्बल से संबंधित, प्रिम्बल से संबंधित कुछ कथन है, और वो कौन कौन से कथन हो जाएंगे? जैसे कि अगर मैं बात करूं यहां पर, जैसे पहला जो कथन है ये लिखा है कि संविधान की आत्मा प्रस्तावना को किसने कहा था? प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा? प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा था? संविधान की आत्मा किसने कहा? तो आप कहेंगे सर सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अगर पूछा जाएगा सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा, सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन किसने कहा था? तो आप कहेंगे ठाकुर दास भार्गव। किसने कहा था बेटा? ठाकुर दास भार्गव, ठीक है। तो आप बताएंगे सर ठाकुरदास भार्गव ने कि सर जी प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा था? ठाकुरदास भार्गव ने कहा था। क्लियर हो गई चीजें। प्रस्तावना को संविधान निर्माताओं के विचारों की जानने की कुंजी किसने कहा? दूसरा स्टेटमेंट है, दूसरा स्टेटमेंट है प्रस्तावना यानी कि प्रेम्बल। प्रस्तावना को संविधान निर्माताओं, संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी, के विचारों को जानने की कुंजी, की कुंजी या मुख्य नोट, मुख्य नोट किसने कहा था? तो आप कहेंगे सर अर्नेस्ट मेके ने। किसने कहा था? अर्नेस्ट मेके ने। तो ये भी आप लोग लिखना, किसने कहा था? अर्नेस्ट मेके ने कहा, ठीक है। किसने कहा है मेरे बच्चों? अर्नेस्ट मेके ने कहा। तो यहां पर पूछा जाएगा कुंजी को की बोलते हैं, ठीक है, जानने की कुंजी, ठीक है, की टू नो। अर्नेस्ट मेके ने मुख्य नोट या संविधान निर्माताओं के विचारों की जानने की कुंजी कहा था अर्नेस्ट मेके ने। किसने कहा था मेरे लाल? अर्नेस्ट मेके ने कहा था। और बेटा संविधान की आत्मा प्रस्तावना को किसने कहा? ठाकुरदास भार्गव ने कहा। चलिए और एक तीसरा स्टेटमेंट है। तीसरा स्टेटमेंट क्या कहता है? कि प्रस्तावना संविधान की राजनैतिक जन्म कुंडली या जन्म पत्री है, यह किसने कहा था? प्रस्तावना संविधान, संविधान की राजनैतिक, राजनैतिक जन्म कुंडली या कह सकते हैं जन्म पत्री, राजनीतिक जन्म कुंडली या जन्म पत्री, जन्म पत्री, ये किसने कहा था? तो आप कहेंगे सर ये कहा था के एम मुंशी ने। किसने कहा था? के एम मुंशी ने कहा। किसने? के एम मुंशी ने। तो ये भी आप लोग लिख लेंगे सर, ये स्टेटमेंट किसकी है? तो आप कहेंगे सर के एम मुंशी की है। किसकी है? तीन स्टेटमेंट हो गई, एक स्टेटमेंट और बच जाती है।
एक स्टेटमेंट और बच जाती है कि सर संविधान को, प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किसने कहा था। आगे लिखूंगा, यहां तक अगर लिख लिया हो तो फिर से रिवाइज करा दूं कि प्रस्तावना को संविधान की आत्मा ठाकुरदास भार्गव ने कहा, संविधान निर्माताओं के विचारों की जानने की कुंजी या मुख्य नोट अर्नेस्ट मेके ने कहा कि सर प्रस्तावना जन्मपत्री है, राजनीतिक जन्म कुंडली है, के एम मुंशी ने कहा, और प्रस्तावना संविधान का क्या है बेटा, परिचय पत्र है, ये के किसने कहा था, एन के पालीवाल ने कहा था, ठीक है, पालकी वाला ने कहा था। फोर्थ स्टेटमेंट होगा प्रेम्बल, प्रस्तावना को प्रेम्बल लिखते हैं बेटा, बार बार लिखना सही नहीं लगेगा, प्रेम्बल को, प्रस्तावना को संविधान का, संविधान का परिचय पत्र किसने कहा था, परिचय पत्र, आईडी कार्ड, परिचय पत्र यानी कि आईडी कार्ड किसने कहा था, आईडी कार्ड किसने कहा था, तो आप कहेंगे सर यह कहा था एन ए पालकी वाला, एन ए पालकी वाला ने। तो ये हो गए बेटा स्टेटमेंट, ये चार हो गए आपके स्टेटमेंट, ठीक है जी। चलिए अब हम बात करेंगे, अब हम बात करते हैं, चलिए, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, चलिए बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब। एक कथन और है जिसको मान्यता पूरी नहीं मिल पाई है, सुभाष कश्यप ने लिखा है कि संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा, ये सुभाष कश्यप के द्वारा कहा गया है लेकिन इसको पूर्ण मान्यता नहीं मिल पाई है, तो इसलिए वो मैंने लिखा भी नहीं है, है ना, वो मैंने लिखा भी नहीं है। अब बात आती है कि सर प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं, इससे संबंधित कुछ कथन, इससे संबंधित कुछ केस हैं, जैसे केशवानंद भारती वर्सेस केरल स्टेट है, वेरुवादी वर्सेस भारत संघ है, इसमें हम लोग बात कर रहे हैं कि सर कौन सा ऐसा मामला था जिसमें यह कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, इसमें संशोधन नहीं कर सकते। तो एक मामला था बेरुवादी वर्सेस यूनियन गवर्नमेंट, ठीक है जी, एक केस है, से संबंधित केस, ठीक है जी, केस रिलेटेड टू द प्रेम्बल, इससे संबंधित बहुत सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे कि सर यहां पर क्वेश्चंस आ जाते हैं इससे संबंधित हम पढ़ने वाले हैं। पहला केस हम लोग पढ़ेंगे वेरुवादी मामला, कौन सा, वेरुवादी मामला, वेरुवादी वर्सेस भारत संघ, भारत संघ, ठीक है जी। ये कब का मामला था, 1960 का, सुप्रीम कोर्ट में मामला गया और सुप्रीम कोर्ट में यह पूछा गया क्या जो हमारी प्रस्तावना है इसमें संशोधन हो सकता है, अमेंडमेंट हो सकता है, तो भैया सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, इसमें संशोधन नहीं कर सकते। किसने कहा था, कौन से केस में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, इसमें संशोधन नहीं हो सकता, तो यह कहा था बेटा बेरुवादी मामला था 1960 का, ठीक है, वेरुवादी वर्सेस यूनियन गवर्नमेंट हम इसको कह सकते हैं इंग्लिश में। तो आप लोगों के लिए मैं यहां लिख देता हूं कि बेटा बेरुवादी मामला था ये, कौन सा था, इंग्लिश वाले बच्चे लिख लेना कि इसको वेरुवारी वर्सेस यूनियन गवर्नमेंट कह सकते हैं, इसको यूनियन गवर्नमेंट कह सकते हैं, यूनियन गवर्नमेंट, 1960 का मामला था। और इसमें क्या कहा गया, इसमें जब सुप्रीम कोर्ट में मामला आया तो इसमें कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, संविधान का भाग नहीं है, प्रेम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, भाग नहीं है, ठीक है जी, नहीं है। तो यहां पर क्या कहा गया कि प्रेम्बल इज नॉट
अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, इसमें संशोधन नहीं कर सकते। ठीक है जी, प्रस्तावना में संशोधन नहीं कर सकते, मैं संशोधन नहीं कर सकते, संशोधन नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कांट अमेंडमेंट, कि सर इसमें अमेंडमेंट मेंट कांट अमेंडमेंट इन दिस। ठीक है जी, इन दिस यानी कि इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता, ये ठीक लिखा है। चलिए बहुत बढ़िया। हाँ, एक बच्चा कह रहा है सर आप चिल्लाते हो, आपको ये चिल्लाना लग रहा है, तो ये आपकी सोच हो सकती है, ये आपकी सोच हो सकती है, मैं तो आराम से पढ़ा रहा हूँ। हाँ, कभी कभी पढ़ाते पढ़ाते जुनून सा आ जाता है, तो वो आवाज़ अपने आप से तेज़ हो जाती है, उसको चिल्लाना नहीं कहते, उसको जुनून कहते हैं। हो सकता है आपके अंदर ना हो, तो वही जुनून तो आपके अंदर लाना है, वही जुनून तो आपके अंदर लाना है। ठीक है जी, शुभम तिवारी धन्यवाद मेरे शेर। चलिए, तो वेरुवादी मामला था, इसमें कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, इसमें संशोधन नहीं कर सकते। लेकिन क्या हुआ, इसके बाद क्या होता है, एक केस और आ जाता है। तो ये तो हमने पढ़ लिया कि सर ये कौन सा मामला था, तो ये वेरुवादी मामला था जिसमें क्या कहा गया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है और इसमें संशोधन नहीं कर सकते। लेकिन किसमें माना गया था, किसमें माना गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है? तो आप कहेंगे सर ये तो हमने पढ़ा, एक और मैं बात करता हूं, एक मैं यहां पर बात करता हूं, सेकंड केस है केशवानंद भारती। कौन सा? केशवानंद भारती वर्सेस केरल सरकार या केरला। तो आप कहेंगे सर केरला, तो किससे संबंधित है, केरला से या केरल राज्य से? किससे संबंधित है, ये केरल राज्य से संबंधित है, और ये 1973 का मामला है। कब का है बेटा ये? तो आप कहेंगे सर ये 1973 का मामला है, और इसमें क्या कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले के निर्णय बदल दिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाँ जी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो हमने पहला निर्णय दिया था 1960 में, हम उसको बदल रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है और इसमें संशोधन कर सकते हैं। ठीक है, इसमें माना कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, कौन से मामले में माना गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, तो आप कहेंगे सर प्रस्तावना संविधान का भाग है, प्रेम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपसे पूछा जाएगा कि सर कौन से मामले में कहा गया कि प्रेम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो आप कहेंगे सर ये केशवानंद भारती वर्सेस केरल स्टेट में कहा गया, और इसमें कहा गया कि इसमें संशोधन कर सकते हैं, ठीक है, क्या कर सकते हैं, संशोधन यानी कि अमेंडमेंट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं बेटा? अमेंडमेंट कर सकते हैं। तो क्या अभी तक हमारी प्रस्तावना में संशोधन हुआ है? बिल्कुल हुआ है जी। कि सर हमारी प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हो चुके हैं, जल्दी जल्दी से बता दीजिए कि सर हमारी प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है? तो आप कहेंगे सर हमारी प्रस्तावना में एक बार संशोधन किया जा चुका है। कि सर कब किया गया है? तो आप कहेंगे सर अब तक केवल एक बार संशोधन हुआ है हमारी प्रस्तावना में। प्रिंबल में क्या हुआ है बेटा? तो आप कहेंगे सर प्रस्तावना में एक बार संशोधन हुआ है। कितनी बार संशोधन हुआ है? प्रस्तावना में एक बार संशोधन हुआ है। कितनी बार? एक बार, वन टाइम। ठीक है जी, तो आप कहेंगे सर वन टाइम। ठीक है जी, एक बार संशोधन हुआ है,
संशोधन मतलब अमेंडमेंट हुआ है। कि सर कब हुआ था, तो आप कहेंगे सर केवल एक बार संशोधन हुआ है। कब? 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, ठीक है, 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 के द्वारा हमारी प्रस्तावना में संशोधन हुआ। और संशोधन की मैं बात करूं, संशोधन की अगर मैं बात करूं तो इसमें बेटा तीन नए शब्द जोड़े गए, तीन नए शब्द जोड़े जाते हैं। कि सर तीन नए शब्द जोड़े गए, कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे? तो आप कहेंगे सर तीन नए शब्द जोड़े गए। एक पहला कौन सा शब्द था, तो आप बताइएगा सर समाजवादी शब्द जोड़ा गया। कौन सा शब्द जोड़ा जाता है? समाजवादी, समाजवादी, ठीक है जी, समाजवादी शब्द जोड़ा गया। पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया, पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष एक ही बात है। और तीसरा बेटा अखंडता, कौन सा? अखंडता शब्द जोड़ा जाता है, इंटेग्रिटी जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटेग्रिटी जिसको हम बोलते हैं। कि सर ये कब जोड़ा गया? इसको सोशलिस्ट बोलते हैं। कि सर ये सोशलिस्ट शब्द कब जोड़ा गया है? और इसको बोलते हैं सेक्युलर। क्या बोलते हैं जी इसको? सेक्युलर बोलते हैं। कि सेक्युलर, सोशलिस्ट और अखंडता, ये तीन नए शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कब जोड़े गए थे? तो ये जोड़े गए हैं 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। और इसे मिनी संविधान भी कहते हैं, लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं। लघु संविधान, लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानेंगे। किसके नाम से? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं। ठीक है भैया। कि सर मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है, लघु संविधान किसे कहा जाता है? तो आप कहेंगे सर इसी को कहा जाता है। ठीक है। अब बात आती है सर ये कब कब जोड़े गए हैं, तो आप बताना कि सर ये दोनों तो प्रथम पैरा में जोड़े गए हैं। इन दोनों को किस में जोड़ा है? फर्स्ट पैराग्राफ में। ठीक है जी, फर्स्ट पैरा में इनको जोड़ा है। और इसको सिक्स्थ पैरा में जोड़ा है, छठे पैराग्राफ में जोड़ा गया है। पैराग्राफ कह सकते हैं, फर्स्ट पैराग्राफ कहेंगे। फर्स्ट में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता बेटा छठे पैरा में जोड़ा गया है। चलिए यहां तक लिख लिया आप लोग। अब बात करेंगे प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय हैं, कितने प्रकार की स्वतंत्रता है, कितने प्रकार की समानता है, ये सारी चीजें। संजय जी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए सभी बच्चों के लिए मेरा प्रयास, मेरा यही सारी चीज़ें रहती हैं कि मैं आपको कराऊं यहाँ पर। हालांकि अभी थोड़ा सा बचा हुआ है इसका, तो इसको मैं कल कंटिन्यू करूँगा क्योंकि मेरी एक बजे दूसरी क्लास भी होती है। चलिए, मैंने बेटा लिख दिया इंग्लिश में भी, समाजवादी को सोशलिस्ट बोलते हैं, पंथ निरपेक्ष को पैराग्राफ सेकुलर बोलते हैं, और अखंडता को बेटा इंटीग्रिटी बोलते हैं। अब आप कमेंट करके ज़रूर बताना ये क्लास कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये क्लास कैसी लगी। मेरा पूरा भरपूर प्रयास यही रहता है, जिस बच्चे ने अभी तक लाइक नहीं किया है वो लाइक ज़रूर करेंगे। ठीक है, ज़रूर लाइक करेंगे मेरे बच्चों। मैं अभी आप लोगों के लिए बहुत कुछ, एक एक पॉइंट जो आपके CGL, CHSL, MTS, SSC, GD या जो विभिन्न एग्जाम्स होते हैं जहां पर पॉलिटी आती है, बेटा मैं यकीन के साथ आपको कह सकता हूं कि अगर आपने ये सारी क्लासेस ले ली, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप छोड़ कर आओगे, एक सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जिसको आप छोड़ कर आओगे। ठीक है मेरे बच्चों, तो बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।